हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडे वीडियो, मैं सभी व्यूअर्स से कहना चाहूँगी, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, दैट इज़ सारांश टेक्नोज, बिकॉज आगे होम सो एवर एंड व्हाट सो एवर टॉपिक मेरे साइड से अवेलेबल रहेगा, वो सब इस चैनल पे आपको प्रोवाइडेड रहेगा। सो फॉर दैट यू नीड टू बी स्टे ट्यून विद दिस चैनल। सो यस, प्रीवियस वीडियो में हमारे कुछ डाउट्स थे, उन डाउट्स को आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। एस मैंने कहा आपसे कि हर एक चीज़ मैं डिटेल में प्रोवाइड कराती हूँ, सो हियर आई एम, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। एंड टुडे हम डिस्कस करेंगे वो सभी टैग्स को, कैसे डिफरेंट टैग्स हम यूज़ करा सकते हैं अपने SVG एलिमेंट के अंदर, एंड क्या उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनिंग है। सो हैव अ लुक हियर। हियर मैंने कुछ सेट ऑफ नोट प्रोवाइड किया है, दिस इज़ द स्मॉल नोट। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं ऑन माई लेफ्ट, सो हम इसे क्या कह रहे हैं, हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है SVJ के सभी टैग्स जो हमारे यूज़ होंगे SVJ HTML के अंदर। एज ऑलरेडी मेंशन इन आर प्रीवियस वीडियो की SVJ क्या है, इंट्रो में हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज़ द स्केलर वेक्टर ग्राफिक्स, एंड हमने उसके ऊपर कुछ स्केच नोट भी प्रोवाइड किया है आपको। बट बिफोर कमिंग टू दीज टैग्स, मैं सबसे पहले प्रीवियस वीडियो का जो डाउट था आप सभी का, उसे क्लियर कर देती हूँ। सो हेयर इट इज़, हम यहाँ बात कर रहे थे वॉट डज दिस डी मीन से। डी यहाँ पे हमारे पाथ को डिफाइन करा रहा है, एंड हम इस डी को क्या कह रहे हैं, ये डी है हमारी पाथ की डायरेक्टरी। सिमिलरली हम अपने ग्लिफ के अंदर भी क्या प्रोवाइड कराते हैं, डी। दिस इज टू सिमिलर विद दी पाथ, बट यहाँ पे जो ये पाथ है ये एक पर्टिकुलर रेफरेंस के लिए है, रेफरेंस इसका पर्टिकुलर है, एंड इसका जो रेफरेंस है इसका हमारा कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ इसका एक पर्टिकुलर ही है। रिमेंबर, अगर हम कहें कि हमारी फाइल पर्टिकुलर, से मैं यहाँ पे क्यों कह रही हूँ इसका, अगर हम एग्जांपल लें, सो मैं यहाँ कह सकती हूँ हमारी एक पर्टिकुलर फाइल है, उस फाइल को हमने स्टोर करा रखा है अपने डेस्कटॉप के अंदर, इस डेस्कटॉप के अंदर हम क्या कह रहे हैं, जो हमारी फाइल है वो हमारी किसी फोल्डर में सेव है, लाइक वी आर प्रोवाइडिंग है HTML। सो ये हमारा पर्टिकुलर रिलेटिव पाथ को फॉलो कर रहा है, दैट इज़ पर्टिकुलर रेफरेंस है। बट हेयर अब आप देख सकते हैं डी जो हमारा पूरा दे रखा है, ये आप इसे सिर्फ ये समझ पा रहे हैं हम इसे क्या कह रहे हैं, ये जो पाथ हमारा इनक्रिप्टेड है, तो हम कह रहे हैं जो डी पाथ डायरेक्ट पाथ के अंदर स्टोर होगा वो इनक्रिप्टेड रहेगा, वाइल ऑल ग्लिफ में स्टोर रहेगा वो लाइक दिस रहेगा। नेक्स्ट हेयर इज ऑल ग्लिफ आइटम। सो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया हो व्हाट डज दिस मीन हेयर। आप इसे कह सकते हैं इनक्रिप्टेड पाथ डायरेक्टरी को हम डिफाइन कराते हैं पाथ स्टॉक के अंदर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डी इज़ अ स्ट्रिंग कंटेनिंग अ सीरीज ऑफ पाथ कमांड दैट डिफाइन द पाथ टू बी ड्रोन, दैट इज़ वो पर्टिकुलर पार्ट जो हमें क्रिएट कराना है अपने SVJ के अंदर वो हम यूज़ करेंगे। दिस इज़ द एग्जाम्पल मैंने आपको दिया पर्टिकुलर रेफरेंस के लिए, बट ही द एक्चुअल मीनिंग इज़ हम कह रहे हैं डिफाइन करेगा पार्ट को टू बी ड्रॉन, बिकॉज हम यहाँ पे SVJ के अंदर ग्राफिक्स अपना क्रिएट करा रहे हैं, दिस इज़ व्हाट फॉर स्केलर वेक्टर ग्राफिक्स। नाउ अब हम बात करते हैं अपने अनदर टॉपिक की, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं SVJ टैग। हमने इसके अंदर डिफरेंट टैग्स का यूज़ किया था, दीज ऑल आर दी टैग, हम इन्हें क्या कह रहे थे, हम इन्हें कह रहे थे टैग्स। बट हियर अब आप देख सकते हैं मैंने मोर टैग आपको प्रोवाइड करे हैं, ताकि आप यूज टू हो जाए इनकी वर्किंग को समझ सकें। हमने ऑल ग्लिफ समझ लिया, ए का मीन्स हम ऑलरेडी समझते आ रहे हैं अपनी HTML वीडियो से, दिस इज़ द सिमिलर
जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है फॉर दिस ए. नेक्स्ट ईयर इज वी आर गोइंग फॉर एनिमेट. एनिमेट का मीन्स क्या होता है? एनिमेशन से हम क्या समझते हैं? वो चीज़ों ग्राफिक्स को इन्हांस करता है, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एनिमेशन. सो वी हैव सीन वेरी मूवी देखते हैं, एनिमेटेड मूवीज देखते हैं, लाइक इनक्रेडिबल टू हेयर, दिस इज़ द एनिमेटेड मूवी. सम ऑफ द हॉलीवुड और हॉरर मूवीज, मोस्ट ऑफ द हॉरर मूवीज आर एनिमेटेड. सो द सिमिलर मीनिंग हेयर इज एनिमेट. एनिमेट का मीन्स अगर हम कह रहे हैं, सपोज ये हमारा सर्कल है, इस सर्कल के अंदर अगर हम डिफरेंट इफेक्ट्स प्रोवाइड करा दें, डिफरेंट इफेक्ट्स प्रोवाइड कराने का मीन्स है लाइक ये हमारा एक सर्कल है, इसके अंदर हम शेडो इसका क्रिएट करा दें, या हम कह दें ये हमारी इमेज हमारी ब्लर हो जाएगी. सो दिस इज़ व्हाट द एनिमेट इज. नेक्स्ट इज़ मोशन. मोशन की बात करा रहे हैं, सो हम कह सकते हैं एक रोबो हमने क्रिएट किया, सो वो रोबो जो है वो डिफरेंट हाउस होल्ड वर्क कर रहा है. वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल हियर. डिफरेंट हाउस होल्ड वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे किसके है? रोबो की है. सो दैट इज़ वो हमारा मोशन में वर्क कर रहा है. नेक्स्ट इज़ ट्रांसफॉर्म. ट्रांसफॉर्म का मीन्स ये है, सपोज हमने एक सर्कल क्रिएट किया, दैट इज़ ये सर्कल हमारा 2D फिगर में है, तो इसी को हम ट्रांसफॉर्म करके एक स्क्वायर भी बना सकते हैं, सिमिलरली 2D फिगर में है. दैट इज़ हम ट्रांसफॉर्म उन्हीं चीज़ों को कर सकते हैं जो सेम डायमेंशंस में हो, अदरवाइज इट कॉन्ट पॉसिबल कि आप सर्कल को, या हम कह सकते हैं हमारे क्यूबिक को सर्कल में क्रिएट करा दें. दैट्स नॉट द वे. आप सर ये जो हमारा क्यूबिक है इसको आप क्यूबॉइड में कन्वर्ट तो करा सकते हैं, सिलेंडर में, बट यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ सर्कल ऑन अ प्लेन पेपर. नेक्स्ट इज कलर प्रोफाइल. कलर प्रोफाइल हम यूज़ करते हैं CSS के अंदर, प्रोवाइडिंग कलर प्रोफाइल. दैट इज़ अगर आप मेरी इस स्क्रीन को देख सकते हैं जिसमें मैंने एक बॉक्स में ये डिफरेंट आपको पेंसिल्स प्रोवाइड हैं, दैट इज़ ए कलर की प्रोफाइल प्रोवाइड हो रही है लाइक दिस. सी ये है हमारी कलर की प्रोफाइल. सो हम इसे भी क्रिएट करा सकते हैं, बट दिस इज़ ऑन आर CSS लैंग्वेज. नेक्स्ट इज कर्सर. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. डेफ इज, डेफ का मीन्स यहाँ पे ये है, रेफरेंस कंटेंट का जो लिंक प्रोवाइड करे वो हमारा डेफ है. एंड हमारा डेस्क क्या है? जो हमारे कंटेंट को डिस्क्राइब करे. सो दिस इज व्हाट द टू आर. आई होप ऑल यू आर गेटिंग माई पॉइंट हेयर. नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं अपने अनदर टैग की. सो आवर लास्ट टैग इज फीबलैन. वेट फॉर अ वाइल. सो यस, वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट फीबलैन. फीबलैन का मीन्स क्या है एंड आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? ब्लेंड का मीन्स होता है मिक्सचर. एंड हेयर इज फी. सो हम फी को कह सकते हैं मैनी, या हम कह सकते हैं मोर देन वन. मोर देन वन आप ऐसे कैसे याद रखेंगे? आप सोचोगे हम कैसे याद रखें फी ब्लेंड का मीनिंग. सो फी टू वर्ड से मिलके बना हुआ है, एफ एंड ई, दैट इज मोर देन वन. मोर देन वन मिक्सचर ऑफ, हम बात कर रहे हैं सिंस हमारी SVJ की, जिसमें हमारी ग्राफिक्स है, सो ग्राफिक्स के अंदर आती है हमारी शेप्स टू.
It is tax too, but here we are taking the simple example of ship. So this is the feebland. Feebland tag का means क्या होता है? For example, this is our one circle and this is our another circle. That is in circle one, circle two is embedded. So embedded करने का जो work होता है वो feebland करता है. So I hope जितने भी tags आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करें यू आर ऑल गेट दैट पॉइंट एंड जो प्रीवियस वीडियो का डाउट था आई हैव क्लियर दैट टू कि पाथ स्ट्रोक के अंदर ये डी क्या डिनोट करता है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.